और कोई भी, जैसे कि अभी जो सेशन हुआ था, इंदु मैम ने जो सेशन लिया था, मैम ने बताया था कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल कंटेंट्स बताए थे, कि डिजिटल कंटेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सीआईटी टीम से कि चैट बॉक्स में किसी ने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो सीआईटी टीम से जो भी है प्लीज कंसर्न पर्सन प्लीज आप ऐड कर लीजिएगा चैट को देखकर। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारे जितने भी टाइप्स के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वीडियो रिसोर्स हो, ऑडियो रिसोर्स हो, हमारे इंटरैक्टिव रिसोर्स हो, किसी भी तरीके के रिसोर्स। अच्छा सॉरी, ये ग्रुप में जो लोग लिख रहे हैं कि ऐड करना है, क्या वो ग्रुप में नहीं है? आप लोग क्या ग्रुप में नहीं है? जो आप ये दूसरा नंबर ऐड करवा रहे हैं, आपने जो मीटिंग ज्वाइन की है वो तो ग्रुप में ही लिंक गया था, तो उसी आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बताएंगे कि आप ये दूसरा नंबर आप क्यों ऐड करवा रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रुप में होंगे तभी आपको ये मीटिंग लिंक गया होगा ना, आपने उसी लिंक से ज्वाइन किया है, तो फिर ये दूसरे नंबर आप क्यों भेज रहे हैं चैट में ऐड करने के लिए? प्लीज आप अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए कि आप ये दूसरे नंबर क्यों ऐड करवा रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम जी सर, जी, मैं लद्दाख से हूँ और मैं एसआरजी ग्रुप का ही मेंबर हूँ। मुझे जी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये लिंक नहीं मिला, मुझे अपने क्लिक के थ्रू ये लिंक मिला। मैंने रिक्वेस्ट की थी एनडू मैम को और आपकी कंसर्न टीम को, लेकिन ऐड अभी तक नहीं हुआ। दैट्स हाँ सर, व्हाई आई हमने सेंड चेक मैम। किया था, हाँ हमने चेक किया था, लेकिन आप हमें ग्रुप में ऑलरेडी दिखा रहे थे कि ये मेंबर ग्रुप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने चेक किया था, पर एनीवेज हम ये वाला नंबर मुझे आपका, लिंक आपकी जब रिक्वेस्ट हमें मिली जी थी। कोई बात नहीं सर, हम ये जी वाला आपका ये वाला नंबर करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट हमें इंदु मैम के थ्रू मिली थी, आपने इंदु मैम को रिक्वेस्ट रेज की थी कि आपको आपको ऐड करना है ग्रुप में। ये साजिद अली सर, आपका भी क्या इश्यू है? आप भी ग्रुप में ऐड नहीं है क्या? एक आपने भी अपना नंबर दिया हुआ है दूसरा, जी मैम, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ मैम, आपको भी यही नंबर नंबर किस है मेरा। अच्छा, आपके कोऑर्डिनेटर ने आपके लिस्ट में आपका नाम शेयर किया है सर? जी, लिस्ट में मेरा नाम शेयर किया हुआ है लेकिन ग्रुप में नहीं है। ये हमारे जो लद्दाख का दूसरा ग्रुप है उसमें शेयर हुआ था, बाद में मैम ने कहा कि उसमें शेयर नहीं करना है करके, तो लिंक हमें दूसरे से, अपने कलीग से मिला है, अपने फ्रेंड से मिला है। अच्छा चलिए ठीक है, सीआईटी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो रिक्वेस्ट आई है हमारे चैट बॉक्स में, एक बार इन नंबर्स को क्रॉस वेरीफाई कर लें और चेक कर लें कि ये नाम हमारे लिस्ट में है, और प्लीज अगर ये अगर एडिट नहीं है तो इनको ऐड कर लें, तो मेरी सीआईटी टीम मेंबर से ये रिक्वेस्ट है। जी मैम, थैंक हाँ ठीक है, तो हम सेशन की तरफ मूव करते हैं। अब अभी कोई भी किसी की क्वेरी हो, किसी को ऐड करने का या फिर जो भी है, वो हम सेशन के बाद लेंगे उनकी क्वेरीज, अभी हम सेशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम ये क्वेरीज को आपके एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही थी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो हमारे वीडियो रिसोर्सेज हो, हमारे ऑडियो रिसोर्सेज हो, और हमारे इंटरेक्टिव रिसोर्सेज हो, या कोई भी फॉर्म हो, इन्फोग्राफिक, जो भी कोई भी फॉर्म, आप अगर हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज के लिए पहले हमें एक स्क्रिप्ट बनानी होती है। तो हमारे स्क्रिप्ट की क्या इम्पोर्टेंस होती है और स्क्रिप्ट हमारी कैसे बननी चाहिए, उसके लिए ये सेशन है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। हाँ स्क्रिप्ट टू स्क्रीन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डिजिटल कंटेंट। तो किसी भी
अच्छी स्क्रिप्ट के लिए क्या स्टेप होने चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या होता है? सबसे पहला होता है कि जिस ऑडियंस के लिए हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, हम डेवलप करना चाहते हैं, उसका हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या है, और उसी ऑडियंस के, हमारे ऑडियंस के बेसिस पे हमें स्क्रिप्ट बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी ऑडियंस जो है वो प्राइमरी लेवल की है, तो हम स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे एलिमेंट डालेंगे जिससे कि, कुछ गेमिफाइड एलिमेंट डालेंगे जिससे कि हम प्राइमरी जो लेवल का ऑडियंस है उसको, हम उसका अटेंशन ले पाए। तो हमें हमारे ऑडियंस क्या है उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ऑडियंस के बेसिस पर ही हम अपनी स्क्रिप्ट को डिजाइन करेंगे। सेकेंड है सिलेक्ट द थीम और टॉपिक। बहुत, तो हमें उस थीम और टॉपिक को सेलेक्ट करना है जिसके बेसिस पर हमें, जिसके ऊपर हमें हमें प्रोग्राम क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं सोशल साइंस में जिसको अगर हम केवल एक्सप्लेन करते हैं तो हम शायद उनको बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं समझा सकते, जितना कि अगर हम उनको किसी विजुअल या किसी मीडिया के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो हम उसे बहुत आसानी से समझा सकते हैं। जैसे कि आपने, अगर जो मैम ने समझाया था, इंदु मैम ने जो समझाया था कि एक एग्जांपल दिया था वाटरफॉल फॉर्मेशन का, वाटरफॉल फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर होता है अगर उसको हम केवल लेक्चर मेथड से या वर्बली एक्सप्लेन करते हैं तो हम बहुत, शायद हम बहुत अच्छे से उस फिनोमेना को बच्चों को नहीं समझा सकते, या बच्चे भी उसको अच्छे से विजुलाइज नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर हम उस कॉन्सेप्ट के साथ एक मल्टीमीडिया ऐड कर देते हैं तो उसकी पावर को इनहेंस कर देते हैं, तो उससे एक इमेज, एक इंफोग्राफिक या एक शॉर्ट वीडियो से अगर हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, या एनिमेशन, कुछ सेकंड के एनिमेशन से उसको अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत ही आसानी से उस फिनोमेना को समझा सकते हैं, और जो बच्चे भी हैं वो बहुत अच्छे से उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो हमें उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक का सिलेक्शन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हमें मल्टीमीडिया को ऐड करने की जरूरत है। तो आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें सेलेक्ट करनी है, हमें थीम सेलेक्ट करनी है किस पर हमें ये क्रिएट करना है। दूसरा, सेकेंड नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ब्रीफ। हमें एक प्रोग्राम ब्रीफ बनाना होता है जिसमें हमारा प्रोग्राम ब्रीफ का भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें हमारे बहुत सारी जो फील्ड्स हैं वो क्लियरली हमें पता होती है कि जो हमारा टाइटल क्या है, जो हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम के लिए हम स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं उसका टाइटल क्या है, उसकी ऑडियंस क्या है, ऑडियंस की एज रेंज क्या है, ऑडियंस का लेवल क्या है, ऑडियंस का मीडियम क्या है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा प्रोग्राम एक ब्रीफ होता है, डिस्क्रिप्शन, प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोग्राम का इंटरएक्टिविटी टाइप क्या है, कि वो वीडियो प्रोग्राम होगा, ऑडियो प्रोग्राम होगा, या डिफरेंट और जो मल्टीमीडिया है टाइप से क्या होगा, तो उसका एक हम ब्रीफ बनाते हैं। फिर हम रिसर्च करते हैं उस सब्जेक्ट पे कि हम उस पे किस तरीके से हम उसको और अच्छे से, क्योंकि जो लर्निंग हमें टेक्स्ट बुक्स में दी गई है अगर हम वही लर्निंग अपने एडिशनल रिसोर्सेज में करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हमें जो हम एडिशनल लर्निंग उन्हें दे रहे हैं वो हमें कुछ और बेहतर होनी चाहिए हमारी, तो हम उस पर रिसर्च करेंगे। सीक्वेंस ऑफ कंटेंट, कंटेंट का एक सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई कि सीक्वेंस उसका ना हो, सीक्वेंस ब्रेक हो रहा हो, कुछ भी रेंडमली नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें कौन सा फॉर्मेट को यूज करें, कि अगर वहाँ ऑडियो की रिक्वायरमेंट है तो हम ऑडियो ही रखें, या वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हम वीडियो रखें। ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक पे हम सारा मीडियम बना लें, ऐसा नहीं है, जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन हमें उसी तरीके से करना है। फिर है कि डिवाइसेस ऑफ होल्डिंग चिल्ड्रंस अटेंशन, अगर हम बच्चों के लिए कैसे, हम उनको इन्वॉल्व करने के लिए इंटरेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे का अटेंशन स्पैन उतना ज्यादा लॉन्ग नहीं होता कि वो एक वीडियो प्रोग्राम को लंबे टाइम तक देख पाए, वो उसको देखेगा ही नहीं, उसका अटेंशन स्पैन नहीं होता, तो उसमें हमें उसको इंगेज करने के लिए उसमें कुछ इंटरेक्टिविटी एलिमेंट होने चाहिए, कुछ गेमिफाइड होना चाहिए कि जिसमें वो म्यूचुअली उससे इंटरेक्ट कर सके, जितना वो उससे इंटरेक्ट करेगा उतना ही वो उसमें इन्वॉल्व होगा और उसकी लर्निंग इनहेंस होगी। हम सॉन्ग्स, रिडल, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, फन, ह्यूमर, इन सब का भी यूज कर सकते हैं।
अब एक अच्छी स्क्रिप्ट के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? एक अच्छी स्क्रिप्ट वही एक अच्छी स्क्रिप्ट बनेगी तभी एक अच्छा प्रोग्राम बनेगा। तो एक अच्छी स्क्रिप्ट का एलिमेंट है कि उसकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर अगर स्टार्टिंग अट्रैक्टिव होगी तो आगे देखने का, प्रोग्राम को देखने का एक क्रेज रहेगा ऑडियंस में। अगर हमारी स्टार्टिंग ही एकदम मोनोटोनस होगी तो हम भी, अगर हमें भी कोई प्रोग्राम, कोई वीडियो देखनी होती है, अगर उसकी स्टार्टिंग या उसका टाइटल कैची होता है तो हम आगे उसको देखते हैं। लेकिन अगर उसका टाइटल कैची नहीं होगा या स्टार्टिंग अट्रैक्टिव नहीं होगी तो हम भी उस प्रोग्राम को नहीं देखते, स्किप कर देते हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से जब भी कोई एजुकेशनल हम प्रोग्राम या स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं तो हमें उसका स्टार्टिंग को अट्रैक्टिव रखना है ताकि, और जो टाइटल है वो इतना कैची रखना है जिससे कि जो हमारे ऑडियंस है वो उसके लिए अट्रैक्ट हो जाए। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें इस प्रोग्राम में क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट दिखाना है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। हमें ऐसा नहीं कि एक टॉपिक में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते क्योंकि प्रोग्राम की ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रोग्राम बहुत लंबे ड्यूरेशन का ना हो। लंबे ड्यूरेशन का होगा तो भी हम यूजर का टेंशन, जो हमारे ऑडियंसेस का टेंशन हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव बेस्ड कंटेंट होना चाहिए और हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। हमें पता है कि हमारा जो ऑडियंस है वो किस मीडियम की है, हमें हमें प्रेफरेंस होनी चाहिए कि हम उसी मीडियम में उसके लिए प्रोग्राम क्रिएट करें और लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल रखना चाहिए। लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी ट्रांजिशन है, एक सीन से दूसरे सीन पर अगर कुछ ट्रांजिशन है तो बहुत स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सडनली चेंज हो गया, कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तो जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ फन और ह्यूमर होना चाहिए। रीइन्फोर्समेंट विद वैरायटी ऑफ लिंकेज होना चाहिए। स्मूथ क्लोज डाउन होना चाहिए। अगर हमारे, जिस तरीके से हमारी जो स्टार्टिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सिमिलरली जब हमारा एंड है वो भी बहुत स्मूथ होना चाहिए। तो ये एक गुड स्क्रिप्ट जो होती है उसके एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए कि हम जो भी स्क्रिप्ट डेवलप करेंगे वो उनमें ये एलिमेंट्स हों। डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी बोर्ड। एक स्क्रिप्ट, एक प्रोग्राम, जो भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं उसके लिए स्टोरी बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, स्टोरी बोर्ड एक क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे प्रोग्राम का। हाँ, कि हमारे प्रोग्राम का एक प्रेजेंटेशन होता है जिसमें फ्रेम बाय फ्रेम हमें पता चलता है कि हमारा सीक्वेंस क्या जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, फ्रेम 3 है। तो इस तरीके से ये अनफोल्ड हो रही है, वीडियो हमारी अनफोल्ड हो रही है और हमें पता चल रहा है कि ये ग्राफिक से ही हमें पता चल रहा है कि हमारी वीडियो पहले ये सीक्वेंस होगा, फिर ये सीक्वेंस होगा, एक ये सीक्वेंस होगा। तो इससे स्टोरी बोर्ड हमारा, हमारी वीडियो का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम डिजिटली भी बना सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये डिजिटल फॉर्म में बना हुआ है, लेकिन इसको हम हाथ से भी बना सकते हैं स्क्रैच। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये डिजिटली ही क्रिएट करें, आप सिंपल पेपर पेन से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक आइडिया देगा आपके प्रोग्राम का, कि आपका प्रोग्राम का स्टार्टिंग ऐसा है और आपके प्रोग्राम का एंड ऐसा है। तो इसके फायदे क्या होते हैं कि इससे आपको अपने प्रोग्राम का एक होलिस्टिक व्यू पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम फ्रेम बाय फ्रेम किस तरीके से जाएगा। साथ ही स्टोरी बोर्ड बनाने से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारा, एक तो हमारा टाइम एफर्ट कम होता है क्योंकि एक बार जब सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने होता है तो हमें शूट करने में उतनी ही आसानी, हमें पता होता है कि फ्रेम 1 हमने ये शूट कर लिया है या क्रिएट कर लिया है, सेकंड फ्रेम में हमें ये क्रिएट करना है। तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है और वो हमारे सामने है। हमने पूरा लेआउट, अपना ब्लूप्रिंट हमने
अपने सामने बना के रखा हुआ है, बस हमें उसको डेवलप करना है, तो हमारा टाइम भी मिनिमाइज हो जाता है काफी, हमारा टाइम सेव होता है इसे बनाने में। प्लस आपके जितनी भी अगर कोई एरर है, अगर आपने कोई स्टोरी बोर्ड नहीं बनाया और आपने सपोज आपने कोई भी सीन क्रिएट डेवलप कर लिया या शूट कर लिया, लेकिन आपको फिर रियलाइज होता है कि नहीं ये ठीक नहीं जा रहा है, ये हमें नहीं करना चाहिए था, तो आपकी जो एरर है वो भी मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने स्टोरी बोर्ड में जो लेआउट आपने ब्लूप्रिंट बनाया है आपको एग्जैक्ट वैसा ही करना है, तो आपकी एरर होने की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाती है, आप एरर आपकी मिनिमाइज हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंस होती है कि आपके टाइम वेस्ट नहीं होता, आपकी एरर मिनिमाइज होती है, बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्टोरी में आपकी जो वीडियो प्रोग्राम है या आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से जाएगा, तो आपको हर चीज पहले से ही पता है, तो वो आपके लिए इकोनॉमिकल भी हो जाता है। तो ये हमारे स्टोरी बोर्ड्स होते हैं जिस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी वीडियो प्रोग्राम, खासतौर से वीडियो प्रोग्राम बनाने के लिए। ये है आप ऑडियो का स्टोरी बोर्ड। अब हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था वो हमारा वीडियो का स्टोरी बोर्ड था, तो अब आप कहेंगे कि वीडियो के स्टोरी बोर्ड में तो हमें पता है कि हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, कि हमने ये फ्रेम में, हमने फर्स्ट फ्रेम में ये क्रिएट करना है या शूट करना है, सेकेंड फ्रेम हमारा ये रहेगा। लेकिन आप अब कहेंगे कि ऑडियो, जब कोई हम ऑडियो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें तो कोई विजुअल्स नहीं होते, तो उसका स्टोरी बोर्ड कैसे बनेगा? तो आप ये देखेंगे, ये जो एग्जाम्पल है ना ये ऑडियो स्टोरी बोर्ड का है। आप जैसे देखेंगे टाइम, टाइम में आपने देखा 0.04 सेकंड पे जो भी डायलॉग होगा स्क्रिप्ट में वो स्लो फेड आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन, क्योंकि ऑडियो प्रोग्राम जो होता है वो हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन पर चलता है, क्योंकि उसमें हम वॉइस मॉड्यूलेशन से ही हर सीन को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑडियो में तो हम विजुलाइज पिक्चर्स नहीं होते, हमारी ऑडियंस उसको विजुलाइज पिक्चर देख के नहीं करती, हमारी ऑडियंस उसको ऑडिटरी से विजुलाइज करती है, मतलब कि वो वॉइस मॉड्यूलेशन से उसको विजुलाइज करती है। आप देखेंगे अगर कोई कोई सीन ऐसा है जहां पर रोने की है तो वहां पर रोने की आवाज होगी, तो जो हमारी ऑडियंस है उसको विजुलाइज कर लेगी। तो सिमिलरली जैसे कि आपने देखा कि 0.04 सेकंड पर जो डायलॉग्स है स्लोली फेड आउट हो जाएंगे, तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन से ही होगा। आप जैसे देखेंगे 0.09 सेकंड पर फेड आउट एफ एक्स, फेड इन विंड, जैसे ये देखेंगे 0.14 सेकंड पर, 1/4 सेकंड पर फेड इन विंड, तो ये इस तरीके से हमने सारा स्टोरी बोर्ड में बताया है कि इस डायलॉग पर फेड आउट होना है, स्लो फेड आउट होना है, कहाँ पर फेड आउट एफ एक्स होना है, कहाँ पर फेड इन विंड होना है, तो ये सारा उसको जो भी हमारा प्रोड्यूसर होता है, जो क्रिएटर होता है, हमारा डेवलपर होता है, उसको हमने पहले से ही स्टोरी बोर्ड दिया है, क्योंकि जो क्रिएटर होता है जो स्टोरी को लिख रहा है उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि वो किस तरीके से, क्योंकि वो आपके माइंड में है, आप अपने माइंड की चीज किसी दूसरे प्रोड्यूसर या डेवलपर को देते हो तो आप उसको इस तरीके से क्लियरली देते हो जिससे कि एरर होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऑडियो का भी स्टोरी बोर्ड होता है, तो ये ऑडियो का स्टोरी बोर्ड है। मेरी सिरी कमांड ले रही है, सिरी कमांड ले रही है। तो ये हमारा ऑडियो स्टोरी बोर्ड है, तो हमारे ऑडियो प्रोग्राम के लिए भी स्टोरी बोर्ड है, और इन केस अगर आप कहीं चाहते हो कि जैसे कि आप देखेंगे ये जो फर्स्ट है 0 सेकंड पर, कि यहाँ पर उन्होंने म्यूजिक की लाइन दी है, तो वो भी आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि आपको कहाँ पर स्टार्टिंग कैसे करनी होती है और आपको एंडिंग कैसे करनी है, तो ये सारा हमारा उसमें डिफाइन होना चाहिए, हमारे स्टोरी बोर्ड में वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अब स्टोरी बोर्ड की नीड क्या है, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो स्टोरी बोर्ड हो, ये हमारे जो स्टोरी बोर्ड होते हैं बेस्ट वे टू शेयर द विजन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हम अपना एक होलिस्टिक व्यू हमें मिल जाता है, मेक्स प्रोडक्शन इजियर, सेव टाइम, हमारा प्रोडक्शन बहुत आसान हो जाता है, हम प्रोड्यूसर को आराम से समझा सकते हैं, प्रोड्यूसर भी उसको विजुलाइज कर सकता है, हमारा टाइम सेव होता है,
और इसके लिए स्केचिट मेथड यूज कर सकते हैं, आप खुद भी स्केच कर सकते हैं, डिजिटली भी आप इसको बना सकते हैं, और कुछ टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होती हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ है ना टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, और ये कुछ टूल्स भी होते हैं जिससे कि हम स्टोरी बोर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कुछ कैमरा शॉट्स हैं, हालांकि आप मतलब ये आप लोग टीचर्स हैं, आप लोगों को इतना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैमरा शॉट्स क्या है, आपको एक होल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वाइड शॉट होता है, ये आप देख रहे हैं, ये वाइड शॉट है जिसमें पूरी ऑडियंस को कवर किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं आइडिया अबाउट द सेटिंग, सेंस ऑफ प्लेसिंग गिविंग एन ऑडियंस, तो ये हमारा वाइड शॉट एंगल है। ये हमारा लॉन्ग शॉट एंगल है जिसमें आपको पूरा व्यू मिल रहा है, हेड टू टो पूरा व्यू मिल रहा है, ये लॉन्ग शॉट हमारा है, लॉन्ग कैमरा शॉट है, और ये हमारा मीडियम शॉट है। इसमें भी हमारे कुछ कैमरा शॉट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा मीडियम क्लोजअप है, ये हमारा बिग क्लोजअप है, ये हमारा क्लोजअप है, ये हमारा बिग क्लोजअप है, और ये आप देखेंगे एक्सट्रीम क्लोजअप है, क्योंकि इसमें हमें बच्चे के जो इमोशंस हैं वो बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं, तो ये हमारा एक्सट्रीम क्लोजअप व्यू है। इस तरीके से कुछ जैसे टॉप एंगल हो गया, ओवर द शोल्डर एंगल हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, बर्ड आई व्यू हो गया, तो ये हमारे कुछ कैमरा एंगल्स हैं। अब ये कुछ कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग बिफोर एक्शन टेक प्लेस, यू कैन ऑलवेज ट्रिम एनी एक्सेस लेटर। आपको जो भी रिकॉर्ड करना है, कोई भी जो भी आपको फ्रेम या सीन रिकॉर्ड करना है, आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी 1 मिनट पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपके पास स्कोप होता है कि अगर कुछ आपको ट्रिम करना है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट शॉट से अगर स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ मिस ना हो जाए। तो आपको हमेशा रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट करनी है वो थोड़ा कुछ टाइम पहले, 1 मिनट पहले से ही स्टार्ट करनी चाहिए, और सिमिलरली आपको रिकॉर्डिंग जो स्टॉप करनी है वो प्रोग्राम एंड होने के कुछ 1 मिनट के बाद करनी चाहिए। हमें एक ट्रिम का या क्रॉप करने का एक स्कोप रखना चाहिए, और साथ ही हमें कुछ स्टिल शॉट लेने चाहिए, ले सकते हैं, ताकि अगर हमें लग रहा है कि कहीं हम बीच में, जहां पर अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर हमारी वीडियो के बीच में कहाँ पे कुछ जर्क है या कुछ है, तो वहां पे हम उस तरीके के शॉट्स को हम यूज कर सकते हैं, एज अ बैकअप प्लान हम उसको रख सकते हैं। तो एक कुछ स्टिल शॉट भी हमें अपने साथ रखने, हमें क्लिक करने चाहिए। अब क्या हमें नहीं करना चाहिए, हमें एक्सेसिव जूमिंग नहीं करनी चाहिए फ्रेम में। जब हम जूम कर रहे हैं तो हमें जर्कनेस जो भी आती है स्मूथ होनी चाहिए, जर्क ही नहीं होना चाहिए, वो जर्क्स नहीं आनी चाहिए उसमें। हमें अवॉइड फास्ट पैनिंग और स्टैटिक व्यू, हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अब हम देखेंगे एक स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल देखेंगे कि अब हम एक स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगी, आप उस प्रोग्राम को देखिएगा, फिर आपको मैं स्क्रिप्ट दिखाऊंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये प्रोग्राम जो था वो स्क्रिप्ट पे बेस्ड था या नहीं था, उससे आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। उसे बता देना मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो इस प्रोग्राम को आप केयरफुली देखिएगा,
फिर इसके बाद हम इसी प्रोग्राम पे बेस्ड स्क्रिप्ट देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि स्क्रिप्ट किस तरीके से डेवलप की जाती है। अभी हमने केवल थ्योरी समझी थी कि स्क्रिप्ट में ये होना चाहिए, स्क्रिप्ट के एक अच्छी स्क्रिप्ट के क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, स्टोरी बोर्ड क्या होना चाहिए। अब हम इस प्रोग्राम पर पहले हम प्रोग्राम देखेंगे, फिर हम उन सब चीजों उन सब रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, स्क्रिप्ट कैसी क्या है, इसका स्टोरी बोर्ड क्या है, सो दैट आप उसको ठीक से कनेक्ट कर पाएंगे। लुढ़का ढलान पर पहुंचा नीचे फैले मैदान पर, गोल 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 गोल। देख उसे कुछ उसने सोचा, इसको ढो ढो थकता मैं तो इसको ढो ढो थकता, पर यह तो खुद भी चल सकता। गोल 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 गोल। हो जाए पल में काम मेरा हो जाए, मेहनत भी मेरी बच जाए। हाँ गोल 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 गोल। एक धुरी से दो को बांधा, एक धुरी से दो को बांधा, धीरे धीरे किया सुधा। हाँ यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार। गोल 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 गोल। पहिया तो आपने ये प्रोग्राम देखा कि इसमें किस तरीके से पहिया, किस तरीके से पहिए का आविष्कार हुआ, तो वो प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम पूरा आपने देखा। तो ये प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन थी वो मुश्किल से 3 मिनट के आसपास की थी, लेकिन आप ये देखेंगे कि 3 मिनट में हम कि पहिए का इवॉल्व कैसे हुआ पहिया, वो हम अपने जो ऑडियंस है उनको बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं कि पहिया कैसे इवॉल्व हुआ, और वो भी उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हमें
सिलेक्ट टॉपिक का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है कि और टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, तो इसको अगर हम ऑडियो से बताते तो हो सकता है कि शायद वो अच्छे से विजुलाइज नहीं कर, लेकिन एक ऑडियो वीडियो प्रोग्राम से हम इसको बहुत अच्छे से ऑडियंस जो हमारी विजुलाइज कर सकती है। ये जो प्रोग्राम है ये हमारा इन हाउस CIT में ही बना है और इसको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, दो अवार्ड भी मिल चुके हैं। और इसके जो लिरिक्स है, जो इसका जो सॉन्ग है, वो प्रोफेसर इंदु कुमार मैम ने ही लिखा था, तो उन्होंने ही सॉन्ग को लिखा था और इस उन्हीं के डायरेक्शन में ये सॉन्ग जो है उसका एनिमेशन बनाया गया था। अब मैं इसकी आपके साथ स्क्रिप्ट शेयर करूंगी, फिर आपको आइडिया होगा कि फिर आप बताइएगा कि क्या ये आप रीड कर पा रहे हैं, इसको समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अगर आपको याद हो तो आप पहले क्या था, पृष्ठभूमि में बजता गीत का प्रतीकात्मक वातावरण दर्शाता संगीत। जब इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई थी तो एक म्यूजिक आ रहा था जिसमें जिसके साथ जो विजुअल्स थे वो आपको याद हो तो क्या था, बांसुरी थी और उसके साथ संगीत के जो नोट्स हैं वो फ्लोट हो रहे थे। तो बांसुरी से फ्लोट होते हुए संगीत के नोट्स के साथ आता शीर्षक पहिए का आविष्कार। तो ये सेम जो सिमिलर हमने प्रोग्राम में देखा था कि पहले बांसुरी आई, उसके उसके बांसुरी के से संगीत के जो नोट्स हैं वो फ्लोट हो रहे थे और टाइटल आया फिर पहिए का आविष्कार, और उसके साथ क्या ऑडियो क्या म्यूजिक आया। तो ये क्लियरली स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। तो साथ में आप देखेंगे फोकस में हवाई जहाज का पहिया, तो जो फोकस था फिर वो हवाई जहाज का पहिया आया, उड़ता हुआ हवाई जहाज, फोकस में कार का पहिया, सड़क पे दौड़ती हुई कार, स्केट्स पे दौड़ता हुआ बच्चा, बाइक पर राहगीर, जाता राहगीर। तो ये सारे विजुअल्स जो हैं वो ऑलरेडी बताए गए थे कि क्या होने चाहिए इस म्यूजिक के साथ। फिर सॉन्ग स्टार्ट हुआ, गाना आप देखेंगे यहाँ लिखा है गाना। एक दिन मानव ने ढलान पर देखा एक लुढ़कता लट्ठा। तो जब ये गाने का जब ये सेंटेंस ये आएगा, लाइन आएगी, तो उसके साथ हमारा क्या है, प्रागैतिक काल का वातावरण, वही ढलान पर लुढ़कता एक लट्ठा और उसे गौर से देखता प्रागैतिक काल। मैं रीशेयर कर रही हूं, हाँ। तो आप ये देखेंगे कि जो सॉन्ग के जो भी सेंटेंस था, सॉन्ग की जो लाइन थी, उससे रिलेटेड सारे विजुअल्स जो थे वो स्टोरी बोर्ड में पहले से ही, स्क्रिप्ट में पहले से ही एक्सप्लेन किए गए थे कि क्या आएगा। फिर आएगा गोल गोल गोल, उसके साथ तरह तरह की गोल आकृतियां आएंगी, फिर गोल गोल लुढ़का ढलान पर, गोल गोल लुढ़का ढलान पर पहुंचा नीचे फैले मैदान पर। तो उसके साथ जो विजुअल्स आएंगे वो पहले से ही लिखे हुए थे, डिफाइन किए गए थे, और सेम वही विजुअल्स आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि क्या ये रिलेट कर रहा है, क्योंकि वही विजुअल्स आपने उस प्रोग्राम में देखे होंगे जो यहाँ स्क्रिप्ट में बताए जा रहे हैं। ये स्क्रिप्ट आपके साथ इंग्लिश में भी हम शेयर कर देंगे, हिंदी में ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम हिंदी में है इसलिए स्क्रिप्ट, और लेकिन अगर प्रोग्राम की सब टाइटलिंग इंग्लिश में भी की गई है
तो ये इसकी स्क्रिप्ट इंग्लिश में भी है, हम वो भी शेयर कर देंगे आपके साथ, ताकि आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप इसको समझ सकते हैं और अपने फर्दर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हर सेंटेंस और म्यूजिक के साथ क्या विजुअल्स आने चाहिए उसका पहले से ही पूरा एक्सप्लेन करके स्क्रिप्ट में दिया गया है, और इसी के बेसिस पर ये क्रिएट हुआ है। अब हम इसका स्टोरी बोर्ड देखेंगे। ये इसका स्टोरी बोर्ड है। स्टोरी बोर्ड बताया था आपको, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पूरी वीडियो प्रोग्राम का। तो आप देखेंगे कि पहला जो सीन था वो यही था कि बांसुरी में से म्यूजिक के जो नोट्स हैं वो फ्लोट हो रहे हैं, फिर पहिया आया, फिर हवाई जहाज फोकस में आया। तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरा जो भी सीन बाय सीन जो उसमें आपने वीडियो में देखा होगा, तो आप चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स लिख सकते हैं कि आप कि वही ये पूरा वही उसी सीक्वेंस में हमने पहले स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर लिया था पहले से ही, कि ये स्टोरी बोर्ड के बेसिस पे ही पहले स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया गया, फिर ये प्रोग्राम शूट किया गया। तो इससे जो प्रोड्यूसर था, क्योंकि ये वीडियो प्रोग्राम जो है वो स्टूडियो में प्रॉपर स्टूडियो में इसको शूट किया गया था, एक सेट बना के इसके स्केचेस बने थे फिर उसको शूट किया गया था। तो जो प्रोड्यूसर था उसको बहुत आसान हो गया समझना कि ये प्रोग्राम कैसे शूट होगा, क्योंकि सारे सीक्वेंस, और जैसे कि मैंने बताया था कि आप ये डिजिटली जरूरी नहीं है बनाए हाथ से, तो आप देखेंगे जो सारे जो सीक्वेंस हैं इसको हाथ से क्रिएट किया गया। ये पूरा जो जो फ्रेम बाय फ्रेम जो सीन क्रिएट हुए हैं ये पेंसिल से बनाए गए हैं। तो आप इसको पेंसिल से भी बना सकते हैं, पेपर पे पेंसिल से बना के इसको आप दे सकते हैं, इसके लिए किसी तरीके के एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। तो यही सारे फ्रेम बाय फ्रेम आए थे, गोल 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 पे ये गोल पहिया आता था, वर्ड जो थे वो रोटेट हो रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे। तो ये सारा स्टोरी बोर्ड है, तो ये इसका स्टोरी बोर्ड है। तो ये आपको आप इसको रिलेट कर पाए, आपको पहले स्क्रिप्ट बनाना है, फिर स्क्रिप्ट पे बेस्ड स्टोरी बोर्ड बनाना है, और फिर वो आपका प्रोग्राम बनेगा। अब हम एक देखेंगे कि इंटरैक्टिव प्रोग्राम, जो इंटरैक्टिव रिसोर्सेज गेमीफाइड रिसोर्सेज होते हैं उसकी स्क्रिप्ट। उससे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम ब्रीफ दिखा देती हूँ कि प्रोग्राम ब्रीफ कैसे हम देख सकते हैं। प्रोग्राम ब्रीफ क्या होते हैं? प्रोग्राम ब्रीफ में आपको अभी दिखाती हूँ, ये शायद फाइल नहीं ओपन हो रही है, तब तक मैं आपको एक गेमीफाइड है, हाँ वही वही गेमीफाइड रिसोर्स दिखाती हूँ कि गेमीफाइड रिसोर्सेस क्या होते हैं, फिर उसकी स्क्रिप्ट कैसे बनती है। तो ये एक गेमीफाइड रिसोर्स है। ये प्रोग्राम अभी केवल आपको शो करने के लिए, हमने वीडियो फॉर्मेट में इसको हम केवल आपको शो कर रहे हैं। एक्चुअल में ये इंटरैक्टिव रिसोर्स है, इसमें जो बच्चा है वो एक्चुअल में ये ड्रैग ड्रॉप गेम है, ड्रैग करके ड्रॉप करेगा और वो इसको प्ले करेगा। लेकिन अभी आपको शो करने के लिए इसको हमने एक वीडियो फॉर्म में बनाया है, ताकि आपको एक आइडिया हो पाए कि इंटरैक्टिव गेम्स कैसे। ये एक क्लासिफिकेशन Observe the fruits. है। Can we put them in four baskets on the basis of their color? Let us try and put them into four groups. Drag fruits to the basket to form the four groups.
इस गेम में बच्चे को क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझाया गया है और उसको कलर के बेसिस पर फ्रूट्स को कैटेगराइज करना था। तो क्लासिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है और ये क्लास वन के बच्चे के लिए था। तो इसकी स्क्रिप्ट हम देखते हैं। ये इसका स्क्रिप्ट है। इसमें हम पहले टाइटल लिखेंगे, टाइटल जो भी होगा, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है। फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। चाइल्ड हैज टू क्लासिफाई द फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर और शेप। तो बच्चे को कलर और शेप के बेसिस पर क्लासिफाई करना है फ्रूट्स को और उनको बास्केट में ड्रैग करना है। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है। सब्जेक्ट मैथ्स, लेवल वन। ऑडियंस डिफरेंट स्टेक होल्डर। एजुकेशन यूज क्या है इसका? टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। इंटरएक्टिविटी टाइप, यस, क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव हमने लिखा है कि बच्चे की क्लासिफिकेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक रेफरेंस इमेज है। आप जो डेवलपर है उसको एक रेफरेंस इमेज दे सकते हैं। ये एक रेफरेंस इमेज है जिसमें कुछ फ्रूट्स हैं और बास्केट है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो बास्केट थी वो सेम कलर की थी, ब्राउन कलर की, लेकिन एक्चुअल जो प्रोग्राम है उसमें बास्केट का कलर अलग है, क्योंकि बच्चा जो है वो कलर बास्केट के कलर के साथ, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन शेप और कलर के बेसिस पर है तो कलर के साथ उसे कनेक्ट करना है। तो बास्केट का भी कलर वही है जो फ्रूट्स का कलर है। तो हम ये एक रेफरेंस इमेज थी, तो हमने इस तरीके की इमेज, रेफरेंस इमेज हम दे सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजर, जो इसको खेल रहा है, जो ऑडियंस है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस इसमें क्या है? ऑब्जर्व द फ्रूट्स, कैन वी पुट देम इनटू फोर बास्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। लेट अस ट्राई एंड पुट देम इनटू फोर ग्रुप्स। ड्रैग फ्रूट्स टू द बास्केट्स टू फॉर्म द फोर ग्रुप। तो ये यूजर के लिए, जो आपने देखा होगा प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस आया था, ऑडियो इंस्ट्रक्शंस आया था, ये हम ऑडियो इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इसका टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, हम दोनों दे सकते हैं। और ये हमारे जो हमारे यूजर हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हमारे इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस जो डेवलपर के लिए भी है, क्योंकि जितना इसमें यूजर के लिए उतना ही आसान तब होगा जब वो डेवलपर अपने इंस्ट्रक्शंस, जो जिसने स्टोरी बोर्ड ये स्क्रिप्ट बनाई है, वो अच्छे से उसको विजुलाइज कर सके और डेवलपर तक वो उसको बता सके, ताकि डेवलपर उसी तरीके से जो विजुलाइज किया है वो उसको क्रिएट कर सके। तो यहाँ डेवलपर के लिए भी इंस्ट्रक्शंस है। इफ द यूजर ड्रैग्स फ्रूट ऑफ वन कलर इन वन बास्केट, देन फ्रूट ऑफ अनदर कलर कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द सेम बास्केट। मतलब कि अगर जिस कलर का फ्रूट है वो अगर उसी कलर में जा रहा है तो वो स्टे करेगा। रेड कलर का फ्रूट है, रेड कलर की बास्केट में अगर उसको बच्चा ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा है तो वो स्टे करेगा। अगर ग्रीन कलर का फ्रूट उसने रेड कलर की बास्केट में ड्रॉप किया तो वो बाउंस बैक हो जाएगा, वो वहां पर स्टे नहीं करेगा, वो बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये डेवलपर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितना यूजर के लिए इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है, उतने ही हमारे डेवलपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट गुड विद द क्लैपिंग फॉर प्रॉपर ग्रुपिंग एंड एनकरेजमेंट फॉर इम्प्रॉपर एनकरेजमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्लेसमेंट। तो अगर रीइंफोर्समेंट अगर हम उसको देते हैं, वो क्लैपिंग आता है या स्माइली आता है, तो इससे क्या है कि बच्चा रीइंफोर्स होगा और वो अच्छे से और करने के लिए एक्साइटेड रहेगा और वो ध्यान से उसका अटेंशन उसमें सस्टेन रहेगा। तो इस तरीके से ये आप जो देख पा रहे हैं, ये एक इंटरेक्टिव जो गेम है उसकी स्क्रिप्ट है।
ये एक प्रोग्राम ब्रीफ है, इसमें कुछ जो आपकी फील्ड्स हैं जो क्लियरली किसी भी, ये हर प्रोग्राम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसमें एक ब्रीफ मिल जाता है। इस प्रोग्राम ब्रीफ को देखकर ही जो हमारे प्रोड्यूसर होता है उसको आइडिया हो जाता है कि प्रोग्राम कैसे बनना है, उसके स्टेक होल्डर क्या है, क्योंकि प्रोग्राम में किस तरीके की विजुअल्स लेने ये हमारे ऑडियंस क्या उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा कोई रिमोट एरिया या विलेज एरिया का कोई हमारी ऑडियंस है तो हमें हमें ये अपने माइंड में ध्यान रखना चाहिए, हमें उसी तरीके के विजुअल्स और एग्जाम्पल्स यूज करने चाहिए जो उसकी सराउंडिंग में है। अगर हम एक विलेज एरिया के ऑडियंस के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल एक अर्बन एरिया के अगर हम देते हैं तो बच्चा उसे रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसकी सराउंडिंग में नहीं, हो सकता है उसकी सराउंडिंग में हो भी या हो सकता है उसकी सराउंडिंग में ना हो। तो हमें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो ऑडियंस है वो क्या है, तो उसका ऑडियंस क्या है हमारा, तो उसका उसके ऊपर हमें, उसके लिए हमें पूरा प्रोग्राम ब्रीफ से हमारे जो प्रोड्यूसर है उनको आइडिया हो जाता है कि प्रोग्राम को किस तरीके से लेकर जाना है। तो इसमें जैसे कि टाइटल होना चाहिए, सबटाइटल हो भी सकता है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये सीरीज मोड में है कि नहीं, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो सीरीज मोड में होते हैं, तो ये सीरीज है या नहीं है। थीम, जैसे ये जो है वो एक थीम बेस्ड प्रोग्राम था, तो इसमें थीम अगर है, थीम पर बेस्ड है या नहीं है। सब थीम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनना है। ड्यूरेशन, आप एक टेंटेटिव ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली क्या है इस प्रोग्राम की। क्लास क्या है, लेवल क्या है, एज ग्रुप क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट क्या है, जैसे ये सॉन्ग और रेसिटेशन का है। डिस्कशन, ये डिस्कशन डॉक्यूमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन है, इंटरव्यू है, ड्रामा है, रोल प्ले, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा, तो ये क्या है, ये इसका ये किस फॉर्मेट में है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये सिंगिंग है, ये जो प्रोग्राम है जिस पे ये, जिस ऑडियो प्रोग्राम पर ये प्रोग्राम ब्रीफ बना है, वो ऑडियो प्रोग्राम भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आएगा कि ऑडियो से किस तरीके से, ऑडियो प्रोग्राम से किस तरीके से हमारी ऑडियंस जो है वो विजुलाइज करती है, कनेक्ट करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। कंटेंट कवरेज क्या है, सिनॉप्सिस, उसकी प्रोडक्शन टिप्स अगर कुछ हैं, रेफरेंसेस, अगर हम जैसे कि जो अभी मैंने आपको गेमिफाइड जो प्रोग्राम था उसका एक स्क्रिप्ट में दिखाया था कि एक रेफरेंस की इमेज दी हुई थी हमने, लेकिन इन केस ऐसा है कि हम कहीं की रेफरेंस की इमेज नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लिंक दे सकते हैं कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो उन लिंक से उसको आइडिया हो जाए, वो रेफरेंस वहां से रेफरेंस लिंक दे सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम ब्रीफ है, अगर हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं तो जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो 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 डेवलपर है, जो क्रिएटर है, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है उसको विजुलाइज करना, क्योंकि जो डेवलपर है उसको खुद को भी विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। अब हम एक ऑडियो प्रोग्राम का एग्जाम्पल और देखेंगे। मानचित्र में दुनिया नक्शे हमें घुमाते हैं, नक्शे हमें घुमाते हैं, पहाड़ पठार मैदान समुद्र और खाड़ी तक ले जाते हैं, जग की सैर कराते हैं, जग की सैर कराते हैं, नक्शे हमें घुमाते हैं, नक्शे हमें घुमाते हैं। किस पर्वत से नदी निकलकर किस सागर से मिलती है, रेगिस्तानी रेत कहां पर मृग तृष्णा से चलती है।
कहां पड़ती है शीत बड़ी और कहां घनेरे जंगल हैं। कहां समुद्र है शांत संत सा, कहां पे लहरें चंचल हैं। कहां चलती हैं गर्म हवाएं, कहां पे पल पल रिमझिम है, कहां वो सपनीले टापू हैं, कहां पे गहरी झीलें हैं। नक्शे हमें घुमाते हैं, नक्शे हमें घुमाते हैं। पुरु चला था किस धरती पर, समुद्रगुप्त ने क्या जीता था, कहां क्रांतियां हुई विश्व में, कहां वीरों का खून गिरा था, कहां वीरों का खून गिरा था। नक्शे ही दिखलाते हैं, घर बैठे ही कहां कहां की बातें हमें बताते हैं, क्या क्या नहीं सिखाते हैं, क्या क्या नहीं सिखाते हैं। नक्शे हमें घुमाते हैं, नक्शे हमें घुमाते हैं। तो ये एक ऑडियो का एग्जाम्पल था, मैं देख रही थी चैट में लिख रहे थे कि कुछ दिख नहीं रहा है, नथिंग इज विजिबल। तो ये एक ऑडियो प्रोग्राम का एग्जाम्पल था कि ऑडियो प्रोग्राम में किस तरीके से आप वॉइस के साथ और म्यूजिक के साथ आप वो विजुलाइज कराते हो। वहां पर हम विजुअल्स नहीं देते, हम सोच, हम एक जो ऑडियंस है उसकी सोच को हम बांधते नहीं है, उसको स्कोप देखते हैं कि वो खुद कैसे विजुलाइज कर रहा है। तो आपने देखा जहां पर क्रांति की बात आई थी, तो वहां पर हमारे ऑडियो, इस तरीके के ऑडियो म्यूजिक यूज किया गया था। तो सारा वॉइस मॉड्यूलेशन और जो इफेक्ट है, इसी से हम जो हमारी ऑडियंस है उसको हम विजुलाइज करने का स्कोप देते हैं ताकि वो खुद विजुलाइज करे। तो ये एक डिफरेंस होता है हमारे वीडियो प्रोग्राम में और हमारे ऑडियो प्रोग्राम में। वीडियो प्रोग्राम में हम विजुअल्स देते हैं तो हमारे जो ऑडियंस है वो वही विजुलाइज करते हैं जो हम उनको दिखा रहे हैं, उनका अपना इसमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं आता। लेकिन जो ऑडियो प्रोग्राम होते हैं उसमें हम खुद वो अपने आप से विजुलाइज करते हैं। तो ये ऑडियो प्रोग्राम की अपनी एक अलग पावर है और वीडियो प्रोग्राम की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो ये एक ऑडियो का एग्जाम्पल था। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो ये था कि किस तरीके से स्क्रिप्ट की इम्पोर्टेंस क्या है किसी प्रोग्राम के लिए, और जितने भी आपने डिफरेंट आज सीखे हैं, मतलब समझे हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो अब कमिंग सेशंस में हम वो रिसोर्सेज हम कैसे क्रिएट करेंगे, उनके क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं। और सारी पीपीटीज जो है, जो भी प्रोग्राम की पीपीटीज, आज इतने भी सेशंस थे, वो आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगी, आप ग्रुप में उसको एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही जो सीआईटी की वेबसाइट पर जहां पर ये पेज है, जो ट्रेनिंग पेज है, उसका भी लिंक हमने शेयर किया था।
वो आपके साथ शेयर किया गया है, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ग्रुप में भी शेयर की आपके साथ जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ सीआईटी की साइट से भी आप लोग अपने आप से भी एक्सेस कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट अगर नहीं है तो आगे की प्रोसीडिंग करते हैं। तो अटेंडेंस लिंक जो है वो बहुत टाइम शेयर किया गया था, आपने सर नहीं किया अटेंडेंस मार्क। तो अटेंडेंस लिंक पे, क्योंकि अटेंडेंस लिंक जब भी आपको शेयर किया गया था, मैंने कई बार मल्टीपल टाइम उसका अनाउंसमेंट किया था कि अटेंडेंस लिंक आ चुका है, आप अटेंडेंस लिंक अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। तो आप अटेंडेंस सर नहीं मार्क कर पाए, देखते हैं कि अटेंडेंस लिंक आपकी चैट में होगा सर, एक बार देख लीजिए अगर वहां से, क्योंकि वो टीम होती है, टीम उसको एक टाइम के बाद डिसेबल कर देती है। अच्छा अभी लिंक ओपन है तो आप कैन वी लीव नाउ? अभी नहीं सर, थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं, अभी बस 5 मिनट का टाइम और आप साथ रहिए, उसके बाद आप लीव कर सकते हैं। जल्दी जल्दी मिस्टर निशा बोलो डाले।